bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक और मैं आपको आज मैं एक ऐसा टॉपिक में आपको लेके आया हूँ, आप खुद ही देख लीजिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। यानी इस तरह के सवाल हमको बहुत सारे स्टूडेंट डेली के डेली पूछते हैं, क्या करूँ मेरा मैथ अच्छा नहीं है। एक्चुअल में अब तक मेरी जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है, सबका यही प्रॉब्लम है कि मेरा मैथमेटिक्स ही अच्छा नहीं है, मेरा मैथमेटिक्स ही अच्छा नहीं है। और इसमें अब उसका सोल्यूशन कैसे निकालेगा, कौन निकालेगा, कैसे निकलेगा, तो अब देखिए कि कैसे होगा उसका मैथमेटिक्स अच्छा। तो यदि आपकी भी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, या फिर आप भी कन्फ्यूज होते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन में, या फिर आप भी उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो देखिए इस वीडियो को और इसके बाद आपका मैथमेटिक्स का फुल 100% सॉल्यूशन मैं आपको निकाल के देता हूँ कि कैसे आपका मैथमेटिक्स बनेगा। बड़े आप ध्यान से, इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो देखते रहिए कैसे होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम अपनी बात कि मेरा मैथमेटिक्स कैसा हो, या फिर आप समझिए कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट दुनिया का है जो कि पूरा ऑल ओवर ब्रह्मांड में चल सकता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑल ओवर ब्रह्मांड में चलेगा। यदि आप सूरज पर जाते हैं, चांद पर जाते हैं, किसी और ग्रह पर जाते हैं, या फिर एलियन बन के किसी और जगह पर जाते हैं, वहाँ भी आपका मैथमेटिक्स चलेगा। सर्किल ट्रायंगल तो सब जगह होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा सब जगह मिलेगा आपको, लॉस एंड प्रॉफिट सब जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस लेवल में बात नहीं करके हम बात करते हैं कंपटीशन के लेवल में। यानी कि मैथमेटिक्स एक ऐसा, यानी कि ये एक यूनिवर्स का एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स ये हर किसी के माइंड में नहीं होता, मैथमेटिक्स हर किसी के माइंड में नहीं होता। और क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब हम बचपन में पढ़ते थे, जब हम बहुत छोटे थे, तब से छोटा इतना बड़ा जो LKG UKG में पढ़ते थे, तब से ही मैथमेटिक्स का लेकर बहुत सारे सवाल हमारे मन में घूमते रहते थे। मैथमेटिक्स को एक्चुअल में सबसे पहली बात कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता ही नहीं है, और उस पर से मैथमेटिक्स का सोल्यूशन निकालना हो जबकि उसके बाद माइंड में कुछ है ही नहीं, वो उतना टेंशन लेना नहीं चाहता। बस बच्चा कोई भी होता है वो फ्री रहना चाहता है, और मैथमेटिक्स उसके ऊपर प्रेशर बनाती है। जैसे हिंदी हुआ, उसमें कहानी रहती है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है, या फिर लैंग्वेज है, साइंस है, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसी वजह से उसका इंटरेस्ट घटते जाता धीरे धीरे। और वो इंटरेस्ट का घटना एक्चुअल में जब कोई बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ाई का वैल्यू पता नहीं होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, तो जब उसको पढ़ाई का वैल्यू पता होता है, तब तक तो काफ़ी ज़्यादा समय निकल चुका होता है और उसकी मैथमेटिक्स बिल्कुल बेकार हो जाती है। अब इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि देखिए, हमको जो पढ़ाता है टीचर, उसको वो भी होता है कि मैथ बहुत भारी है, तुम जल्दी से पढ़ो इसको। एक्चुअल में जो मैथ को बचपन से ही हम लोगों को बोला कि भारी है, और भारी भारी करते करते आज इतना भारी हो कि हम कंपटीशन डरते हैं, या फिर मेरा रिजल्ट नहीं आने का यही कारण है कि मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनली, मेरा यानी अभिषेक का रिजल्ट जितना भी आया है, सबका सब में मैथमेटिक्स बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। वही हमारा तो बेस बनाया है, वही तो हमारा सबसे बड़ा पावरफुल है। अब देखिए मैंने कैसे इसको कंप्लीट किया, तो सब एक छोटी सी सोच, मैथमेटिक्स हमको गॉड गिफ्टेड है, और एक्चुअली मेरा बचपन से ही मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स करने वाला कि मेरा बस पढ़ाई में ही ध्यान था, इधर तो ध्यान नहीं था। और एक्चुअल में पढ़ाई में ध्यान क्या रहेगा, मार्क के डर से। जब स्कूल में जब मैथ के जो टीचर बहुत बहुत ज़्यादा बहुत क्रूर थे और बहुत पीटते थे मैथ को, तो जब दूसरे स्टूडेंट की पिटाई होती थी, तो हमारी आज तक कभी पिटाई नहीं हुई। तो मैं सोचता था कि जब हम मेरा भी गलती हुआ तो हमको भी उसी तरह से पिटाई लगेगी। और क्लास में एक दो बच्चे तो डेली धुआ जाते थे, मतलब कि इसको बोलते हैं हम लोग के भाषा में, तो हमको बहुत डर लगता था। इस वजह से हम जो भी होमवर्क मिलता था हम उसको अच्छी तरह से करते थे, और कुछ लेकिन हमको खेलने के लिए भी टाइम चाहिए था, तो इसलिए हम बचपन से कुछ ऐसा सोचते थे कि मैथ को कैसे आसान बनाया जाए। हम इतना टाइम पढ़ने में भी नहीं दे रहे क्योंकि खेलेंगे कब, तो लेकिन मार भी नहीं खाना है, तो इसलिए हम बचपन से ऐसा ऐसा फॉर्मूला निकालने लगे कि मैथमेटिक्स आसान बन जाए, और इसको हमको ना रिवाइज की ज़रूरत पड़े, ना उसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़े, बस क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए क्या था कि बस बिल्कुल फुल माइंड लगा करके कम से कम मैथमेटिक्स को क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे, जैसे बोलते थे वैसे से करते थे, उसको एक दो बार रिवाइज करते थे क्लास में ही। होमवर्क सब हम आज तक कभी घर पे होमवर्क किए ही नहीं, क्लास हुआ ख़त्म, टिफिन हुआ, टिफिन खाने के बाद जो टाइम बचा 15-20 मिनट उसी में होमवर्क कर लिए। जैसे छुट्टी हुआ और सब जैसे गैपिंग मिला 5-10 मिनट का, उसी बीच में हम होमवर्क कर लिए, या फिर स्कूल पहुँचे, स्कूल से जस्ट प्रार्थना से जस्ट पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँच गए, एक्चुअली में आधा घंटा 15 मिनट पहले, उसी में पूरा होमवर्क कर लिए,
और इस तरह से हम किए। और एक्चुअल में मेरा मैथ का एक कारण और है जो कि एक साइंटिफिक कारण हो सकता है। वो देखिए, जब हम आजकल के बच्चे क्या होते हैं, जब आपने अपनी पढ़ाई कितने उम्र में शुरू की थी, आपने अपनी पढ़ाई शुरू किया होगा 3 से लेकर 4 साल 5 साल के अंदर। लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू किया था, जब हम 7 साल के थे, तब हम पढ़ाई शुरू ही किए थे, यानी ABCD और हम उस समय सीखना शुरू किया, यानी कि जब हमें 7 साल के, 7 साल का बच्चा का माइंड बिल्कुल फुल फ्रेश हो गया था और बहुत मैच्योर हो गया। एक्चुअली बचपन में मेरा माइंड बहुत, पढ़ाई शुरू करने से पहले मेरा माइंड मैच्योर हो गया था, इसलिए हमको जो कुछ भी सिखाया था हम तुरंत सीख जाते थे। तो सोचिए, ये मेरा बहुत बड़ा कारण हो रहा, वो ये हम मानते हैं इस बात को। और प्लस में एक रिसर्च और भी मैंने किया था, कि एक रिसर्च ये है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है गर्मी के महीने में, तो उसका दिमाग तेज़ होता है। और एक्चुअली मेरा जन्म हुआ था 11 मई को, यानी कि गर्मी के मौसम में। ये भी मेरा एक फैक्ट है। एक फैक्ट और है मैथ के बारे में, कि प्रेशर, एक्चुअल में जब अभी बच्चा जो मैथ को जब शुरू करता है 3 से 4 साल की उम्र में, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और उसको रटाया जाता है। और एक्चुअल में मेरे पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता उतना, और बस हम नॉर्मली पढ़ते थे। तो बस हमारी मम्मी का एक बात याद था हमको अभी भी, कि हमारे, एक्चुअली ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, ठीक है, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। तो मेरे सामने में एक घर था, वहाँ पे टीवी चलती थी, टीवी देखने वाले बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारे लोग नीचे बैठ के देखते थे, बहुत सारे लोग चौकी पर बैठते थे, बहुत सारे लोग टेबल कुर्सी यानी कि कुर्सी बैठते थे। तो मेरी मम्मी वहाँ दूर से ही दिखाते, देखो वहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे देख रहे टीवी, देखो तुम भी जाओगे वहाँ पर टीवी देखने के लिए, एक समय जब तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जब तुम मजदूरी करोगे, तो तुमको भी नीचे में बिठा कर टीवी दिखाएगा। एक्चुअली उस टाइम उस ज़माने में टीवी का बहुत ज़्यादा वैल्यू था, और जब तुम पढ़ लिख लोगे, जब तुमको अच्छा नॉलेज होगा, तो तुमको कुर्सी देगा बैठने के लिए, तुम अच्छे से रह पाओगे समाज में और तुम अच्छा आदमी बनोगे। तो वो सब बात हमको ध्यान में था, और यही सब कुछ सिचुएशन ऐसा था कि हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे। तो हमारे मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट को बढ़ाने का यही कारण है। और उसके बाद फिर और सब्जेक्ट को अच्छा करना है तो मैथमेटिक्स अच्छा बनाना होगा। मैथमेटिक्स जरा कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा, सोचिए कि मैथमेटिक्स एक पतंग की तरह है, आपको हवा में उड़ रही एक पतंग है, उसको आपको पकड़ना है। तो किसको पकड़िएगा, पतंग को, पूंछ को पकड़िएगा, फिर धागा को पकड़िएगा। सबसे पहले खोजिएगा उसका धागा है कहाँ, उसका पॉइंट, नीचे का पॉइंट, बेस का पॉइंट। उस धागा एक बार जब पकड़ा जाएगा, उसको खींच करके पतंग को नीचे ले आएंगे। तो सीधे आप पतंग को पकड़ने की कोशिश किए तो कभी भी नहीं पतंग पकड़ाएगा, बस आप उस धागा को पकड़िए, उस बेसिक को पकड़िए, उस स्टार्टिंग के 0 पॉइंट को पकड़िए, और वहाँ से आपका हो जाएगा। तो यही सब फैक्ट की वजह से, यही सब एक्सपीरियंस की वजह से मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो पाया। और सच कहते हैं, कसम से कहते हैं, हमने अपने लाइफ में सबसे कम पढ़ाई की है तो मैथमेटिक्स को। बस क्लास में जो हुआ उसको पढ़े, वहीं पर रिवाइज कर लिए और अपना एक तरीका बना लिए। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, वो हमारे माइंड का गेम है, इसको प्रैक्टिस करेंगे मेरा माइंड खराब हो जाएगा, मेरा माइंड घिस जाएगा। इसलिए जैसा बोलता है, लैंग्वेज को समझिए, आंसर को देखिए, लैंग्वेज और आंसर देखिए, क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है और कैसे निकाल से, इसका बेसिक नॉलेज आपको मिल ही चुका है, तो फिर इसमें आपको दिमाग लगाइए बस, और क्या, इसको प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि टीचर कहते थे तुम भाई तुम प्रैक्टिस करो, हम बोलते हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस हम एक बार हम सीख लिए इसको, यदि हम एक बार परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिए हैं तो परसेंटेज में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात को हम अपने आप में बिल्कुल पावरफुल होकर चलते थे, और अब तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बिल्कुल, जब हम बेसिक चीज़ पढ़ ही लिए हैं, जब हम एक बार खाना खा ही लिए हैं, दोबारा क्यों खाएंगे, वही बात है, जब हम एक चैप्टर पढ़ लिए हैं तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत हम वो क्यों पड़ेगी। और तो इसलिए उसको ऐसा पढ़ना होगा कि एक ही बार भरपेट खाना खा लीजिए, दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही बात है, कोई भी चैप्टर यदि हम एक बार पढ़ लिए तो दोबारा उसमें क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और एक बात और है, जहाँ पे यदि कैलकुलेशन में एक टाइप का गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। एक्चुअल में जब हम एग्ज़ाम देते थे, जो मेरा 100 में 100 नंबर आता हर एक बार, लेकिन कुछ ऐसा हम फॉल्ट करते थे, उस फॉल्ट की वजह से मेरा 2-4 नंबर कम होता था। वो देखे के भारी भारी क्वेश्चन को हम बना देते थे जो कोई नहीं बनाता क्लास में, और उसको बना करके हमको 95, 96, 92, 93, 97, 98 तक नंबर आया, मैथ में हमेशा आता था 90+ ही नंबर आता था। तो इसमें देखे कि होता क्या था मेरा, कि 2-3 नंबर मैं कैसे करता था। एक्चुअल में कोई भी क्वेश्चन ऐसा, जैसे कि 2+3 लिखा हुआ है, लास्टिंग में 2+3 बराबर हम लिखते थे उसको 6, तो वो एक्चुअल में पता नहीं कैसे लिखा था 6, इस वजह से सर 2 नंबर काट लेते थे। तो
उस चीज़ को हम आज तक हम उसको दूर नहीं कर पाए। बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि एक ना एक छोटे छोटे फॉल्ट रह ही जाती है। और एक बार फॉल्ट नहीं रह गया था तो मेरा 98 नंबर आया था, और लेकिन उसमें भी एक बराबर का देना छूट गया था। एक्चुअल में ये नहीं है कि देखिए मैथ में क्या है कि जब एक बार एक फॉल्ट कर लिए उस फॉल्ट को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। एक बार जो फॉल्ट कर लिए उस फॉल्ट को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। यदि एक इक्वेशन में आपको गुणा के जगह आप भाग कर देते हैं तो अब जो अगला जो भी मैथ बनाइएगा उसमें आपको गुणा के जगह भाग नहीं करना है। जब तक अपने फॉल्ट को दूर नहीं कीजिएगा तब तक आपका गलती पे गलती होता रहेगा। आपका ज़िंदगी में कहीं मैथमेटिक्स नहीं सुधर सकता। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स आपके माइंड का गेम है। हम जो जानते हैं इसी के दम पे हम आगे बढ़ेंगे। एक किसी मैकेनिक को देखें, मैकेनिक कौन होता है, एक इंसान होता है ना। हम लोग जाते हैं बाइक का सर्विसिंग करवाने के लिए, या फिर हम लोग जाते हैं रेडियो टीवी ख़राब होते उसको करवाने के लिए, या मेरा कैमरा ख़राब हो गया था उसको जाए ठीक करवाने के लिए, जबकि वो भी तो इंसान ही था। या फिर जो मैकेनिक होता है जो जो गाड़ी का बाइक का सर्विसिंग करता है वो भी तो मैकेनिक है, वो भी तो इंसान ही है, हम भी तो इंसान ही है। हम खुद से क्यों नहीं उसका सर्विसिंग कर पाते हैं, हम खुद से लैपटॉप क्यों नहीं ठीक कर पाते हैं। या फिर जब हम पढ़ाते हैं तो हम भी तो इंसान ही है, और सब दुनिया में और भी तो इंसान ही है, वो सब क्यों नहीं पढ़ा सकता मेरे जैसा। एक्चुअल में क्या है कि हम जिस दिशा में दिमाग लगाएंगे, हमारा दिमाग बस उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि हम मैथ में दिमाग लगाएं तो हमारा दिमाग मैथ में लगेगा। यदि हम लैपटॉप ठीक करने में अपना दिमाग लगाते हैं तो हमारा दिमाग लैपटॉप की तरफ बढ़ेगा। हमारा दिमाग, यदि हम अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, रीजनिंग बनाना चाहते हैं, या फिर किसी भी एरिया में हम लगाते हैं उस एरिया में हमारा दिमाग मास्टरमाइंड बन जाता है, और वैसा मास्टरमाइंड कोई और नहीं बन पाता है। जैसे कि हम पर्सनली बिल्कुल एक फॉर्मूला पर जब हम पूरा चैप्टर बना देते हैं, इस तरह से पढ़ाने वाला और कोई टीचर नहीं मिलेगा। खोज के देख लीजिए, सबका सब आपको ट्रिक से पढ़ाएगा और एक चैप्टर आपको सैकड़ों ट्रिक मिलेगा। जबकि मेरा तरीका है, मैंने खुद से एक चैप्टर में एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूला को हम स्टूडेंट को सिखा दिए, और स्टूडेंट उसी को फॉलो करके मुझसे बेहतर मैथमेटिक्स बनाता है। एक्चुअल में जब SSC का एग्ज़ाम हुआ था तो हमको आया था 16 नंबर और मेरे स्टूडेंट को आया था 24 नंबर। 25 में से देखिए 25 में से मेरे स्टूडेंट को आया 24 नंबर और हमको आया 16 नंबर। तो सोचिए ऐसा भी होता हुआ है। तो ऐसा नहीं, हम किसी को अपना टेक्निक सिखा देते हैं और उस टेक्निक में वो मेहनत करके आगे बढ़ता है तो मुझसे भी आगे जाता है। तो हम आपको यही टेक्निक सिखाते हैं, और वो टेक्निक क्या सब होती है, वो कुछ भी नहीं होती है। मैथमेटिक्स एक्चुअली कुछ है ही नहीं, हम बोल देने बाद कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स भारी है ही नहीं। भारी अब क्यों समझते हैं, अब तक जो भी जानते मैंने सब भूल जाइए, बस आप मेरा फॉलो कीजिए हमको। देखिए एक्चुअल में क्या, मैथमेटिक्स का एक सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब क्या कि हमको किसी से प्यार हो गया, गर्लफ्रेंड को घर से भगा के लाना है, उससे शादी करनी है, तो क्या ये एक प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन कौन निकाल के देगा, लड़की का माँ बाप या आपके माँ बाप? आप खुद से निकालिएगा ना दोनों मिल करके। तो वही बात है, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जो मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको निकालना है, कोई और नहीं निकालेगा। एक दोस्त जिससे से हम अपनी शादी करते हैं यदि भाग करके, तो दोस्त को हेल्प लेते हैं ना, उसी तरह से आप मेरा हेल्प लीजिए शादी करने में नहीं, मैथ को बनाने में। तो मैथ को कैसे बनाना है, हम आपको जैसे जैसे बनाते हैं, हम आपको जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे आपको भगाने लाना है, आपको मैथ को बनाना है। तो एक्चुअल में ये है क्या, कुछ भी नहीं मैथमेटिक्स, बस मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपके दिमाग में है, उसका सोल्यूशन आपके दिमाग, हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, जिसमें आपको कुछ दिया हुआ है कुछ पूछ रहा है, सिर्फ यही चीज़ मैथमेटिक्स है, कुछ दिया हुआ है कुछ पूछ रहा है। कैसे निकालना है आपको वो समझना है कि क्या दिया हुआ है क्या पूछ रहा है, आपको समझना क्या है क्या दिया हुआ है क्या पूछ रहा है। उसके बाद फिर आपको सोचना है क्या दिया हुआ है उसको कैसे करें कि वो चीज़ निकल जाए जो जो हमको पूछ रहा है, और वो उसको बोलते हैं इक्वेशन, यानी कि लैंग्वेज में जो दिया हुआ है उसको, वो हुआ इनपुट। आउटपुट के रूप में हमको आंसर पूछ रहा है, इनपुट से आउटपुट डायरेक्ट नहीं आएगा, वो भाया आया क्या है इक्वेशन या चैप्टर, उसका बेसिक नॉलेज। तो एक लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, इक्वेशन को आंसर में कन्वर्ट कीजिए, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, आंसर को। अब देखिए इसमें क्या है, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करके आपको आंसर में कन्वर्ट करना है।
इक्वेशन को हमको माइंडली करेंगे ताकि हमको समय कम से कम लगे। तो अब बस सिर्फ यही है और कुछ नहीं। चाहे देखिए कोई भी चैप्टर हम बनाए मैथमेटिक्स का आप कोई भी सब चैप्टर बिल्कुल सेम ही है, उसे ज़रा सा भी कोई भी अंतर नहीं है। हर चैप्टर में आपको लैंग्वेज पूछेगा, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। उसको देखिए कोई भी चैप्टर हो उसका बिल्कुल हमको बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज बोले तो बेसिक नॉलेज का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ परिभाषा, उसका एक छोटा सा परिभाषा, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला। उस फॉर्मूला के दम पे, उस परिभाषा के दम पे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हम आपको निकाल के ला के देंगे। आपका भले नौकरी हो या ना हो, मैथमेटिक्स 100% होगी, इस बात की गारंटी आप मुझसे ले लीजिए लिखवा करके, ठीक है। हम आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं। और इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं, तो फिर मुश्किल क्यों समझते हैं, ये बहुत ही आसान है। आसान बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आपको कुछ इन्वेस्ट करना होगा, कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, और आप हम आपसे पैसा लेते हैं। इस वजह से इस वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए। हम अपने आप में एक टैलेंट डेवलप किए, वो ऐसा टैलेंट जो कि ऑल इंडिया में आपको कोई नहीं बता पाया, पूरी दुनिया में कोई नहीं बता पाया मैथमेटिक्स के लिए। और हमने जितने साल 10 साल से करीब हम पढ़ा रहे, 2011 से एक्चुअली जब हम पढ़ाना शुरू किए थे बैचलर को 2009 से, उसका फिर कॉम्पिटिशन स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किए 2011 से, तो 2011 से 2018 तक लगातार, और 2013 के ग्रुप डी वाला वैकेंसी में, या फिर 2014 के ALP वाला वैकेंसी में मेरा बहुत सारा स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ। उसका फिर जब हम पढ़ाना जब शुरू किए, अब तक हमसे जो भी स्टूडेंट पढ़ा है कम से कम 2 या 3 महीना, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट हुआ है। एक स्टूडेंट तो ऑल इंडिया टॉप भी किया था, तो क्यों, उसको मैंने अपना टेक्निक दिया, वही टेक्निक हम आपको लोगों को देते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और उसका मेरा AOBC यानी अभिषेक ऑनलाइन वीडियो कोचिंग, हर किसी का एक बिजनेस होता है, उस तरह मेरा भी एक बिजनेस है। हम अपने टैलेंट को बेचते हैं, जिस तरह अपने टैलेंट को आप यूज करेंगे नौकरी के लिए, आप या रेलवे में नौकरी करते, किसी और चीज़ में जाकर नौकरी करते, यदि आपके पापा कुछ और काम करते हैं तो कुछ काम के बदले में कुछ पैसा लेते हैं। हम भी आपको मैथमेटिक्स सिखाने के बदले में आपसे हम पैसा लेते हैं, और इसमें हमको लगता है पर्सनली इसमें कोई गलत नहीं है। वैसे आप सोचिए कि यूट्यूब पर तो बहुत सारा वीडियो बिल्कुल फ्री मिलता है, तो आपको जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो बिल्कुल फ्री मिलेगा। हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं, लेकिन हम आपको जो 100 घंटे का, 50 घंटे का, 70 घंटे का, 50 घंटे का, इस रूप में आपको जो वीडियो देंगे सब्जेक्ट का बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, उसका हम आपसे पैसा लेते हैं बहुत ही कम, जितना कि कोई भी कोचिंग नहीं ले सकता। एक बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा जो ट्यूशन फी होता है उससे भी हम कम पैसा लेते हैं। जैसे कि आपको पूरा मैथमेटिक्स सिखाने का हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़, और 500 रुपीज़ किसी के लिए भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और एक्चुअल में देखिए मेरे 41,000 सब्सक्राइबर हैं, इन लोगों में से यदि 1,000 भी लिए तो हम मेरा काम निकल गया। हम अपना नौकरी छोड़ करके क्यों आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मेरा ALP हुआ, LDC SSC हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा बेसिक है, और भी बहुत सारे चीज़ों में मैं जा सकता था, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा करके, मेरा पैसन है पढ़ाना, और एक्चुअली पढ़ाना मेरा पैसन नहीं है, बिजनेस या फिर कुछ ऐसा चीज़ करके दो दुनिया को जो दुनिया के काम आ सके। और हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम मैथमेटिक्स, खासकर इंडिया में जो 4 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं, सबकी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स है, और इन लोगों की प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स पर हम सॉल्व करके देंगे, क्योंकि AOBC के माध्यम अपने क्लास के माध्यम से। तो देखिए आपको क्या आएगा कि बिल्कुल एक जैसे कि आपको परसेंटेज चैप्टर सिखाना है या फिर कोई भी चैप्टर सिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान किए कि एक्चुअल में टीचर को ये पता नहीं कि कौन सा चैप्टर इसको पहले पढ़ाना चाहिए। तो हमको ये ध्यान है सबसे पहले आपको पढ़ना होगा परसेंटेज चैप्टर। यदि आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, आपने अब तक लाइफ में कभी मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं, तो मेरा आप परसेंटेज चैप्टर का सबसे पहला चैप्टर जो हम देंगे आपको परसेंटेज चैप्टर को गिन करके 5 बार स्टार्टिंग टू लास्टिंग क्वेश्चन को उतार उतार के आपको बनाना होगा। 2 से 3 दिन का उसमें समय दीजिए, और लगातार 12 से 13 घंटे उसको लगातार बनाइए, बोरिंग हो रहे फिर भी बनाइए। और परसेंटेज चैप्टर बनाने के बाद मेरा जो 43 क्वेश्चन प्लस 82 क्वेश्चन यानी टोटल जो क्वेश्चन आया आपको 4 दिन यानी कि 125 क्वेश्चन के आसपास, उसी 125 क्वेश्चन का आपको 5 बार रिपीट करना है। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स आपको 50% क्लियर हो जाएगा, आप मैथमेटिक्स का लैंग्वेज सीख जाएगा। और मेरा आपको वीडियो बस लिंक आपको देंगे, उस लिंक को आपको फॉलो यानी क्लिक करना है, वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगी अपने मोबाइल में। उसके बाद 4-5 बार बना लीजिए, हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन बस रिपीट कीजिए 5 बार। उसके बाद जो भी चैप्टर बनाइएगा, हम आपको जो भी चैप्टर का लिंक देंगे, सिर्फ एक ही बार में आपको सब चैप्टर आ जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइएगा आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल पढ़कर छोड़ दिए, बोले कि बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो इतना आसान बना देंगे हम आपका मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाने के बाद, परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज चैप्टर के अलावा आपको 30 चैप्टर और हम आपको देंगे, जो कि रेलवे के लिए फुल्ली रूप से हम स्पेशली रेलवे को पढ़ाते हैं, कि आई एम लोको पायलट फ्रॉम RRB मुजफ्फरपुर, इसलिए हम मेरा रेलवे के लिए स्पेशल है।
तो देखिए, आपको मैथमेटिक्स का क्या देते हैं, हम लिंक देते हैं, यानी कि आपको मैथमेटिक्स कैसे करना है। आपको बस देखिए, एक चैप्टर आपको आएगा 2 घंटे का वीडियो, 1.5 से लेके 2 घंटे। यदि चैप्टर जैसे कि परसेंटेज चैप्टर, बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर, इसमें हमको एक एक चीज़ सिखाना पड़ा है, इसलिए परसेंटेज चैप्टर का वीडियो आया 4 घंटे का। 4 घंटे का यानी 125 क्वेश्चन को हम 4 घंटे में सभी क्वेश्चन सिखा दिए आपको। इसके बाद परसेंटेज चैप्टर, मेरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं छूट सकता। उसका लॉस एंड प्रॉफिट का चैप्टर आएगा आपको 2.5 घंटे का। उस 2.5 घंटे के चैप्टर को सीखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट से नहीं छूटेगा। 2 घंटे का वीडियो आएगा टाइम एंड वर्क का आप मुझसे सीखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्यों ना, चाहे UPSC का ही क्यों ना हो, या फिर SSC का, या फिर रेलवे का, भी किसी भी तरह का, यदि टाइम एंड वर्क आप मुझसे पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की फुल गारंटी है। या तो क्वेश्चन गलत होगा, या फिर आंसर गलत होगा, या फिर उसका सोल्यूशन गलती होगा, लेकिन आपका सोल्यूशन निकाला हुआ गलती नहीं हो सकता। आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेक्ट कर लिया, क्वेश्चन कितना कहाँ पे इसका फॉल्ट है। यदि क्वेश्चन सही हो, आंसर सही दिया है, तो आपसे बनेगा ही बनेगा। फिर चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, हम आपको जो चैप्टर सिखा देंगे उस चैप्टर को बाद, फिर चाहे क्वेश्चन कुछ भी दे, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की फुल गारंटी है। और इस ये सब चीज़ सीखने के लिए आपको खर्च करना होगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़। और इसके देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना, आपको 500 रुपीज़ पेमेंट के जस्ट बाद आपके, हम 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप आएगा जिसका एडमिन हम होंगे, उस ग्रुप में आपको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर बारी बारी से डेली एक एक चैप्टर का वीडियो उसमें हम अपलोड करेंगे, यानी उसका लिंक आपको हम शेयर करेंगे। उस लिंक में आपको जो भी क्वेश्चन का रिपीट करा उसका आपको हम PDF दे देंगे, या फिर हम आपको बुक भेज देंगे, PDF दे देंगे। उस PDF को देखना है, उस क्वेश्चन को रिपीट करके बनाना है, और डेली एक एक चैप्टर ख़त्म करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिखना है, या फिर व्हाट्सएप में ही लिखना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको आसपास मिल जाएगी। तो यही था इस वीडियो में, आप पूरा का पूरा 30 चैप्टर का वीडियो ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में, और मैथमेटिक्स देखिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। यदि मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है तो आप मेरा वीडियो देखिए, पूरा पूरा क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा, इस बात का पूरा विश्वास रखिए। और हम जो डेवलप किए हैं, जितना रिजल्ट लाए हैं, जितना स्टूडेंट को रिजल्ट ला के दिखवा दिए हैं, तो वो सब चीज़ आपके भी अंदर भी होगी। फिर चाहे आपने अब तक पढ़ाई किया नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपने अब तक पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया, मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान बना सकते हैं, ट्रिक से छुटकारा चाह रहे हैं, ट्रिक से आप देखिए, बहुत सारे लोग जो ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक पे आपको 2 से लेकर 4 साल का, 5 साल का समय लगता है, आपको पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन आप चाहे तो 15 से लेकर 1 महीना के अंदर पूरा पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरा वीडियो 22 मिनट का हो चुका है, इतना देर देखने के बाद भी देख रहे हैं, तो समझिए आपका क्लियर हो गया लगभग में। बस आप 500 इन्वेस्ट कीजिए। यदि आप लोग को डेमो चाहिए, आप लोग 500 मेरा फंस रहा है, डेमो चाहिए तो मेरा डेमो लिखिए, अभिषेक सर मैथ वीडियो, या फिर मैथ डेमो क्लास बाय अभिषेक सर, या अभिषेक मैथ बाय अभिषेक, ये सब लिखिए यूट्यूब पे, सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। उसमें देखिए आपको लगता है कि हो सकता है तो आप इस चीज़ को लीजिए, और एक बार लीजिए तो फिर देखिए लाइफ बन जाएगी आपकी, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको हम देंगे 500 रुपये ग्रुप डी का फुल कोर्स, या फिर LP का फुल, अभी ऑफर चल रही है इसलिए आपको 500 मिल रही है, बस दो तीन दिन के अंदर ले लीजिए, 1000 स्टूडेंट पूर्णने तक ये ऑफर है, फिर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ मिल रही 500 रुपीज़ में, तो आप इसको लीजिए और देखिए, इंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को, और किसी और को ही पढ़ाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिसका मैथमेटिक्स बहुत बेकार हो, और या फिर यदि आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह की जानकारी देते हैं, और मेरा बहुत सारे तरह का चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप बहुत कुछ ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और ये वीडियो देखिए 25 मिनट बिल्कुल लगातार मैं किया हूँ, और मेरा इधर से सर दर्द हो रहा है, तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक, और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में आप ALP CBT फर्स्ट
RPF और ग्रुप डी की फुल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं वीडियो कोचिंग के माध्यम से। आप मेरा वीडियो कोचिंग ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में। प्रोसेस के लिए आप आगे की वीडियो को देखते रहिए और इसमें क्या सब डिटेल्स आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं। तो अब देखिए ये ऑफर ये है आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में आपको ग्रुप डी का फुल कोर्स देंगे जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और इसके अलावा और भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप कैसे रेलवे यानी कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पास किया, फिर CBT फर्स्ट एग्ज़ाम या फिर RPF एग्ज़ाम, पूरा फुल कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में मिलेगी। जो कि एक दो दिन के लिए ये ऑफर रहेगी, हमको बस इस ऑफर में हमको 1000 स्टूडेंट को और रखना है। और तो ये ऑफर 1000 स्टूडेंट तक रहेगी और उसके बाद फिर ये ऑफर ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको लीजिए, बस ये जल्दी जल्दी लीजिए, एक या दो दिन का आपको समय मिलेगा। तो आप इसको करना क्या है कि आपको पहले आप ये बता देते आपको कि आपको इसमें मिलेगा क्या सब। तो सबसे पहले देखिए कि ग्रुप डी या फिर RPI की रेलवे के फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जितना ही पढ़ाई चाहिए, इसका वीडियो का आपको लिंक मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे और इस लिंक को आप डाउनलोड करके बिल्कुल आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और तो अब देखिए इसमें आपको क्या सब मिलने वाला है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए ALP RPF ग्रुप डी फुल कोर्स वीडियो लिंक, जिसमें आपको ALP CBT फर्स्ट के लिए यानी कि पहला एग्जाम के लिए मिलेगा आपको 500 रुपये में कोर्स, RPF के लिए मिलेगा, ग्रुप डी के लिए मिलेगा फुल कोर्स। आपको किसी भी बैच में आप ले सकते हैं और आपको जब लेना होगा तो बताना पड़ेगा आपको ALP चाहिए या फिर RPF या फिर ग्रुप डी। और वैसे तीनों का लगभग बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं 500 रुपीज़ में ही। यदि आपको दोनों चाहिए तो आप 500 रुपीज़ में ही आपको दोनों भी मिल जाएगा, फिर तीनों मिल जाएगा आपको। तो इस रूप में आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा किसी और चीज़ के लिए, एक स्टूडेंट के लिए आपको बस मिल जाएगा तीनों। उसमें देखिए आपको मैथमेटिक्स का फुल कोर्स में आपको आता है, रेलवे मैथमेटिक्स में आपको फुल कोर्स में आता है 30 चैप्टर, जिसमें आपको बेसिक का 11 चैप्टर एंड कंपाउंड का 19 चैप्टर 30 चैप्टर को। अब देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है मैथमेटिक्स, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मेरा जो तरीका है वो ऑल इंडिया में किसी का नहीं है, जैसे आप भी पढ़े हो या फिर कोई भी कोचिंग आपको पढ़ाया होगा, सब जगह पे क्या चलता है, ट्रिक चलता है और एक चैप्टर में सैकड़ों ट्रिक होते हैं। और हम क्या करते हैं, एक चैप्टर में मेरे द्वारा बनाया गया सिर्फ एक फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, जैसे टाइम एंड वर्क के लिए पावर इंटू टाइम इजकल टू वर्क, वर्क इजकल टू पावर इंटू टाइम इजकल टू वर्क, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला और इस पे पूरा काम समय चैप्टर और पाइप टंकी चैप्टर बन जाएगा। हम क्या करें, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर बनाना आपको सिखाते हैं कैसे बनाते हैं इसको टाइम के अंदर, और 60% ज़्यादा क्वेश्चन आपको माइंडली बनेगा, मुँह जबानी बनेगा, सब कुछ का मैं यहाँ पे तरीका सिखाता हूँ। उसका फिर देखिए कि हाँ अपना एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स में 30 चैप्टर फुल का फुल कंप्लीट होगा। अब देखिए 80% से ज़्यादा स्टूडेंट का मैथमेटिक्स ही कमज़ोर होता है, आपकी यदि अच्छी हो गई हमारे वीडियो कोचिंग के माध्यम से तो आप 80% स्टूडेंट को ऑटोमेटिक पीछे छोड़ दीजिएगा। वैसे देखिए जो ग्रुप डी का जो फॉर्म भरा स्टूडेंट, 3 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भरा था, जिसमें कि 3 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा ग्रुप डी का, और 3 करोड़ के बीच में से जो सीट उसको 60,000 के आसपास लेना है, 63,000, तो 63,000 60,000 में यानी कि 3 करोड़ में 63,000 लेगा सीट। और तो सोचिए कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, इसलिए इस टफ कंपटीशन में आपकी तैयारी भी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट तैयारी के लिए हम हैं और हमारा वीडियो कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि आप मेरे क्लास में डायरेक्ट आके पढ़ते हैं, आपको बोर्ड पर पढ़ाते हैं, आप यहाँ बेंच पर बैठ के पढ़ते हैं, तो क्या होता है यदि हम एक क्लास आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आपको यदि वहाँ पे प्रॉब्लम होती तो मेरा अगला क्लास कीजिएगा, तभी आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन वीडियो कोचिंग की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपको वीडियो का जैसे लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो उस वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, फिर से देख जैसे अब देखिए इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिला कि हम कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करके बहुत सारे एग्जाम को पास करते हैं। और हम मेरा इतना जैसे 2011 से हम कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी जगह पर मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। तो अब देखिए कि तो उन लोगों को मैंने कैसे पढ़ा, इतना छोटा सा उम्र में, भाई यही मेरा उम्र सिर्फ 23 साल है, 23 ईयर है, तो सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में हम इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है। मेरा बेसिक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, तो इंजीनियरिंग मैंने किया, ALP किया उसका, फिर तो बहुत सारी चीज़ों को हमने कैसे पास किया, यही चीज़ हम किसी और को सिखाते हैं। हम क्वेश्चन को आंसर निकालते कैसे हैं वो चीज़ सिखाते हैं बिल्कुल आसानी से।
और ये बिल्कुल आप आसानी से कर पाएगा। बस मैथ का एक चैप्टर का जैसे 1 से लेकर 2 घंटा का वीडियो होगा, इस वीडियो में आप 100% उस चैप्टर को सीख जाएगा। बस हम कुछ टेक्निक सिखा दीजिए, एक चैप्टर में 2 से 3 टिप्स देंगे, 2-3 टेक्निक देंगे और एक फॉर्मूला देंगे, इतना को फॉलो करने में पूरा चैप्टर बन जाएगा। एक बार बना लेते चैप्टर, दोबारा इसमें फंसेगा नहीं क्वेश्चन, इस बात की फुल गारंटी है। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 60 वीडियो मिलेगा, 20-20 वीडियो, यानी कि 20 वीडियो में फिजिक्स कंप्लीट, 20 वीडियो में केमिस्ट्री कंप्लीट और 20 वीडियो में बायोलॉजी कंप्लीट, यानी कि 60 वीडियो मिलेगा आपको, तीनों का तीनों पूरा पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। 80% ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो कोचिंग को देखने बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस सेक्शन में। उसका देखिए रीजनिंग में आपको 22 चैप्टर आएगा जो रेलवे के एग्जाम में पूछता है, तो वो सब का ही आपको वीडियो मिलेगा। जीके और करंट अफेयर्स का टोटल आपको 100 एपिसोड में आएगा वीडियो, इस 100 एपिसोड के वीडियो में आपको पूरा पूरा जीके बाय हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब कंप्लीट होगा, उसका फिर करंट अफेयर्स का भी सब का सब कंप्लीट होगा। तो अब देखिए आप बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जीके क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, जीके क्वेश्चन आएगा क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला, इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड पुराने सिलेबस के अनुसार ही एग्जाम लेगी, भले ही क्वेश्चन आगे पीछे देते या फिर क्वेश्चन का मैथ रेंज का अमाउंट बढ़ा दे। वैसे एक टिप और मैं दे रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग के इलाके जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, असम, इस साइड में यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपको मैथ रीजनिंग ज़्यादा पूछेगा, और यदि आपने साउथ इंडिया, मुंबई साइड में फॉर्म भराया फिर तो आपको इसमें जीके जीएस क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, उधर मैथमेटिक्स हल्का पूछता है। अब देखिए कि लेकिन उस एरिया में स्टूडेंट की भीड़ काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आपकी तैयारी 1% भी कम नहीं होनी चाहिए, आपको तैयारी सबसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपसे आपकी तैयारी से कोई कंपेयर नहीं कर पाए। और हम कैसे निकालते हैं, हम आपको कैसे तैयारी करवाते हैं, बस सबका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, और उस लिंक को इसका सिस्टम क्या होगा, इसका सिस्टम होगा कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप आएगा, जैसे कि ये देखिए ये मेरा मोबाइल है, इसमें आपको व्हाट्सएप चलाते हैं ना, व्हाट्सएप रहेगा, व्हाट्सएप में मेरा एक ग्रुप रहेगा AOVC, कोई भी ग्रुप, स्टार ग्रुप हो, डायमंड ग्रुप हो, सिल्वर ग्रुप हो, कोई भी एक ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में हम वीडियो अपलोड करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो कोचिंग को लीजिएगा उसको हम उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ऐड होने के बाद आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, उसके बाद हम अपना प्राइवेट वीडियो जो हम पढ़ा पढ़ा कर रिकॉर्ड कर उसको प्राइवेट रखे हुए हैं वो कोई और नहीं देख सकता, हम आपको भेजेंगे तो आप ही उसको देख पाएगा, कोई और नहीं देख पाएगा। इस रूप में हम अपना वीडियो कोचिंग का बिजनेस चलाते हैं और आपको बिल्कुल आसानी से वो लिंक आप ही के पास रहेगा, और उस लिंक को आप देख करके बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ईजिली आप पूरा का पूरा तैयारी कर पाएगा। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेरा परमानेंट नंबर है 8228818140, वहाँ से आप नंबर नोट कर सकते हैं, उस पर यदि फ़ोन, वैसे वो टेम्प्रोरली नंबर है, मेरा परमानेंट नंबर उसका नीचे है, ये वाला नंबर देखिए 8406891116, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस व्हाट्सएप के नंबर के इस व्हाट्सएप में आप जाइएगा, इसका यानी कि प्रोफाइल पिक्चर DP में, तो DP में आपको प्रोसेस मिल जाएगा क्योंकि कैसे इसको ख़रीदना है आपको, और आपको हमको आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमको कॉल कर सकते हैं 8228818140 82 28 81 81 40, बहुत ही आसान सा नंबर है, आपको याद हो गई होगी, तो बस आपको कॉल करके आप हमसे ये वीडियो ले सकते हैं। वैसे जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी फ़ोन कीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आता है तो हम उठा नहीं पाते, और वैसे आपको इसको ख़रीदना बस आपको 500 रुपये पेमेंट करना है किसी माध्यम से, पेटीएम कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको इसका पेमेंट का प्रोसेस आपको पता चल जाए यहाँ पे 8406891116, इस नंबर का मेरा व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप का DP होता है प्रोफाइल पिक्चर जिसमें हम फोटो लगाते हैं, उस फोटो में हम पूरा डिटेल्स वहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, आप जाके वहाँ पे डिटेल्स देखिए और आप बस जल्दी जल्दी इसको खरीदिए, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 1000 स्टूडेंट को ही मिलेगी, तो आप जल्दी से जल्दी इसको लीजिए। और वैसे हमारे पास 41,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं, 41,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं, तो ये ऑफर 1000 स्टूडेंट के लिए ही है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको लीजिए और बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ईजिली आप तैयारी कर पाएगा हमारे साथ मिलकर के। जो भी प्रॉब्लम हो आप उस ग्रुप में लिख दीजिएगा, आपको पूरा पूरा सोल्यूशन मिलेगा, आपकी तैयारी ऐसी हम करवा दें कि और सबसे बेहतर होगी, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। फिर चाहे आपकी कैटेगरी कौन से भी कोई भी हो, आपका बोर्ड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी जीरो ही क्यों ना हो, अभी भी चाह करके इसको आसानी से कर सकते हैं। आप किसी कोचिंग में जाइए, एक दिन आपको एक चैप्टर तो नहीं पढ़ाएगा, लेकिन यदि मान लीजिए एक दिन एक चैप्टर पढ़ा भी दिया तो आपको उतना समझ, मेरा टेक्निक मानिए, सैकड़ों ट्रिक, सैकड़ों हजारों फार्मूला को याद करने से बेहतर है मेरा सिर्फ एक फार्मूला याद कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सा फार्मूला, और उस फार्मूला में पूरा पूरा चैप्टर बन जाएगा। मेरा ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखिए, फॉलो कीजिए, और हमारा बहुत सारा वीडियो आएगा बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में, तो उसको भी देख करके पता कर सकते हैं कि मेरा लेवल क्या है।
तो वैसे ये ऑफ़र आप लोग को चाहिए तो जल्द जल्द कॉल कीजिए, फिर जल्द जल्द खरीदिए। आपको उसी समय जिस समय आप पेमेंट करते हैं उसी समय आधा एक घंटा के अंदर आपका वीडियो कोचिंग चालू हो जाएगी और आप बिल्कुल आसानी से इस तैयारी को कर पाए। देखिए 500 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, बस देखिए कहीं लक लगना होगा तो हो जाएगा। और मुझे तो पूरा का पूरा फुल कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि हम जैसे करवाते करते हैं कि ये तैयारी, हम जैसे रिजल्ट लाए 18 साल की उम्र में ALP बने, उसी तरह से आप भी बन जाइए कोई भी एग्जाम हो तो इस रूप में। थैंक यू सो मच देखने के लिए, हम फिर से मिलते हैं आपको अगले ऑफर में, अगले वीडियो में जो कि आपको मैथ का डेमो क्लास होगा। तो थैंक यू सो मच। अब ठीक है, इसमें आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ जानकारी होगा, आप वहाँ से देखिए, वहाँ से खरीदिए इस वीडियो कोचिंग को और आप स्टार्टिंग कर दीजिए। आप चाहे तो एक दिन दो तीन चैप्टर भी ख़त्म कर सकते हैं और उस लिंक को आपको हमको बस सिर्फ सेंड करना है, आप उस लिंक को देखिए और आपकी तैयारी बिल्कुल फुल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो कोचिंग के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, घर परिवार में बताइए और इसको खरीदिए। इसका प्राइस हम कम से कम रखें, इसका प्राइस स्टार्टिंग में 3,000 रुपये थी और अभी ये सिर्फ आपको मिल रही 500 रुपीज़ में, और ALP का वीडियो कोचिंग आता है 5,000 रुपये का, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 500 में ही मिल जाएगी। जो CBT फर्स्ट के लिए, CBT सेकंड के लिए आपको अलग से कुछ और पेमेंट करना होगा। तो फिलहाल आप CBT फर्स्ट के लिए तैयार कीजिए 500 रुपये में ALP, 500 रुपीज़ में RPF और 500 रुपीज़ में ग्रुप डी का फुल कोर्स। तो थैंक यू सो मच। आप चाहे तो ये तीनों का तीनों कोर्स आपको 500 रुपये में ही मिल जाएगी, तीनों की तैयारी, और तीनों का सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग है तो आपको हम तीनों ग्रुप में ऐड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में ही, और व्हाट्सएप का आपका एक ही नंबर होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, हम फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके, जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा या फिर हमको उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 8228818140, लेकिन जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी फ़ोन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।